हेलो दोस्तों, परदेसी फ्लाइट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का वेलकम है। दोस्तों, फ्लाइट और ट्रेवल्स की कुछ जरूरी अपडेट पर बात करेंगे, कुछ जरूरी खबरों पर बात करेंगे। इंडिया कनाडा फ्लाइट को लेकर अपडेट है। इसके अलावा दोस्तों, भारत को क्यों चेतावनी देनी पड़ी कि अगर आप हमारे लोगों को क्वारंटीन करेंगे तो हम भी आप पर पलटवार करेंगे, हम भी आपको जवाब देंगे, इसको लेकर बात करूंगा दोस्तों। लेकिन उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी अपील है, अगर आप फ्लाइट और ट्रेवल्स की खबरों से लगातार जुड़े रहना चाहते हैं तो अभी आप परदेसी फ्लाइट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। जैसे ही मेरी कोई नई वीडियो आए तो उसकी जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो पहली अपडेट दोस्तों इंडिया कनाडा फ्लाइट को लेकर है। तो 24 अप्रैल से ही कोविड-19 की वजह से इंडिया से कनाडा के लिए डायरेक्ट फ्लाइटें बंद चल रही हैं। लेकिन अब एयर कनाडा ने अपनी फ्लाइटें दिल्ली से टोरंटो के लिए डायरेक्ट रिज्यूम कर दिया। यानी अगर आप इंडिया से डायरेक्ट कनाडा के लिए ट्रेवल करना चाहते हैं तो दिल्ली एयरपोर्ट से आप टोरंटो के लिए ट्रेवल कर सकते हो डायरेक्ट, बिना किसी दूसरे देश में ट्रांजिट किए हुए आप डायरेक्ट ट्रेवल कर सकते हो कनाडा के लिए। अभी जो ट्रेवल करने के लिए नियम बताए गए हैं वो ये हैं कि आपको कोविशील्ड वैक्सीन की दोनों डोज लगी होनी चाहिए। साथ में जब आप ट्रेवल करेंगे कनाडा के लिए तो एयरपोर्ट पर ही आपका रैपिड पीसीआर टेस्ट होगा, बाहर आप कोई पीसीआर टेस्ट नहीं कराएंगे, वो मान्य नहीं होगा। आपका एयरपोर्ट पर ही, दिल्ली एयरपोर्ट पर ही रैपिड पीसीआर टेस्ट होगा, उसके बाद आप दिल्ली से टोरंटो के लिए ट्रेवल करेंगे। अगर आप टिकट लेना चाहते हैं, जल्दी ट्रेवल करना चाहते हैं तो आप एयर कनाडा की वेबसाइट से टिकट ले सकते हैं। साथ में ही जो ऑनलाइन ट्रेवल पोर्टल हैं जैसे मेक माई ट्रिप, गो आई वीबो, इज माई ट्रिप, ऐसे करके कुछ और वेबसाइट है, वहां से भी आप टिकट परचेस कर सकते हैं। साथ में आप ऑथोराइज्ड ट्रेवल एजेंट से भी टिकट परचेस कर सकते हैं। शुरुआत में टिकट महंगे हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा रुककर जाने का फैसला करते हैं, यानी थोड़ा रुकते हैं और फिर डायरेक्ट जाने का फैसला करते हैं तो आपको टिकट कुछ सस्ते मिल सकते हैं। तो ये दोस्तों इंडिया कनाडा फ्लाइट को लेकर अपडेट है कि 5 महीने के बाद इंडिया से कनाडा के लिए डायरेक्ट फ्लाइट रिज्यूम हो चुकी है। अगली अपडेट दोस्तों क्वारंटीन और वैक्सीन को लेकर है। तो अभी क्या कुछ हो रहा है, कोविड-19 काल में जो नियम और कानून बनाए जा रहे हैं ट्रेवल को लेकर, उसके बाद इस बात की बहस काफी तेज हो गई है कि क्या दुनिया भर में भेदभाव बढ़ रहा है। गरीब देशों के लिए कुछ और नियम बनाए जा रहे हैं, अमीर देशों के लिए कुछ और नियम बनाए जा रहे हैं, एशियाई कंट्री के लिए कुछ और नियम है, यूरोपियन कंट्री के लिए कुछ और नियम है, अफ्रीकन कंट्री के लिए कुछ और नियम है। तो अभी जो ताजा मामला है दोस्तों वो इंग्लैंड को लेकर है। इंग्लैंड ने इंडिया से जाने वालों को, इंडिया से जो भी लोग ट्रेवल करेंगे, अगर वो फुली वैक्सीनेटेड, उन्होंने कोविशील्ड वैक्सीन की दोनों डोज ले रखी है, तब भी उनको 10 दिन क्वारंटीन करने का फैसला किया, जिसके बाद भारत ने कड़ा रुख अख्तियार किया है और काफी गहरी नाराजगी जताई है। कल भारत के विदेश सचिव हर्ष श्रृंगला ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उन्होंने कहा है कि हम देख रहे हैं कि इस मामले का निपटारा कैसे होता है, अगर कोई संतोषजनक हल नहीं निकला तो भारत के पास भी ब्रिटेन के खिलाफ ऐसा ही कदम उठाने का अधिकार है। यानी अगर भारत के जो भी लोग वैक्सीनेटेड होकर ट्रेवल करेंगे उनको अगर क्वारंटीन किया जाएगा तो हम भी ब्रिटेन से आने वाले लोगों को, यानी अगर वहां के लोग वैक्सीनेटेड होकर आ रहे हैं तो हम भी उन्हें क्वारंटीन करेंगे, हम भी उन्हें नहीं बख्शेंगे। इसके अलावा भारत ने कहा है कि यह बहुत ही अजीब बात है, हमने ब्रिटेन को 50 लाख वैक्सीन की डोज दी है और ब्रिटेन ने उसका इस्तेमाल भी किया है और कोविशील्ड को लेकर यह भेदभाव भरी नीति समझ से परे है। तो भारत सरकार ने साफ चेतावनी दी है कि अगर ब्रिटेन इस भेदभाव वाली नीति को नहीं हटाता है तो हम भी मजबूर होंगे ऐसे कदम उठाने के लिए। इसके बाद ब्रिटेन की गवर्नमेंट इस पर रिव्यू कर रही है कि किस तरीके से इससे निपटा जाए, क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पर इसकी आलोचना हो रही है, हर तरफ से आलोचना हो रही है इस नियम को लेकर। इसके अलावा दोस्तों अगर अभी हम बात करें सऊदी अरब को लेकर, तो सऊदी अरब ने अभी क्या कुछ किया हुआ है कि फ्लाइटें इंडिया से सऊदी अरब के लिए तो डायरेक्ट चालू है, लेकिन अभी अगर आप सऊदी अरब से वैक्सीन लगवा कर आए हैं दोनों डोज तो आप डायरेक्ट ट्रेवल कर सकते हैं। इंडिया से अगर आपने वैक्सीन लगवाई है तो आप वाया किसी देश से जाएंगे, वहां 14 दिन रहेंगे, दुनिया भर का रुपया फूकेंगे, फिर आप सऊदी अरब के लिए ट्रेवल करेंगे। जबकि एक दिलचस्प चीज दोस्तों बता दूं कि भारत ने सऊदी अरब को भी वैक्सीन की 30 लाख डोज दी हुई है। भारत ने वैक्सीन मैत्री के तहत 69 देशों को 5,83,00,000 वैक्सीन दी है, जिसमें सऊदी अरब को भी 30 लाख वैक्सीन की डोज दी गई है। और अब ये आलम है कि आप इंडिया से अगर आपने वैक्सीन लगवाई है तो सऊदी अरब डायरेक्ट ट्रेवल नहीं कर सकते हो, यही आलम कतर के साथ में है। अगर आप कतर से वैक्सीन लगवाकर छुट्टी पर आए हुए हैं तो आप कतर जब जाएंगे तो वहां आप 2 दिन क्वारंटीन रहेंगे, लेकिन अगर आप इंडिया की वैक्सीन लगवाकर कतर ट्रेवल कर रहे हैं तो आपको 10 दिन क्वारंटीन रहना होगा। जी हाँ, 10 दिन क्वारंटीन रहना होगा। तो ये क्या नियम है, किस तरह का नियम है, ये कोई समझ नहीं पा रहा है कि ये आखिर
पूरा खेल हो क्या रहा है। तो इसको लेकर अब इंग्लैंड को भारत सरकार ने चेतावनी दी है कि अगर आपने ये भेदभाव भरी नीति को नहीं बदला तो हम भी मजबूर हो जाएंगे इस तरह के कदम उठाने के लिए। बहरहाल दोस्तों, हम सब ये उम्मीद करते हैं कि दुनिया के सभी देश ऐसा नियम बनाएंगे कि जो भी लोग वैक्सीनेटेड हैं, जिन्होंने WHO से अप्रूव्ड वैक्सीन लगवा रखी है, वो वैक्सीन उन्होंने कहीं भी लगवाई हो, अमेरिका में, लंदन में, जापान में, हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में, तुर्कमेनिस्तान में, तजाकिस्तान में, किर्गिस्तान में, ईरान से लेकर तुरान तक किसी भी देश में उन्होंने अपना वैक्सीनेशन कराया हुआ है, जो वैक्सीन WHO की तरफ से अप्रूव्ड है, तो उन्हें 14 दिन क्वारंटीन, 10 दिन क्वारंटीन, 5 दिन क्वारंटीन, इन सब चीजों से दूर रखा जाए, उन्हें आराम से ट्रेवल करने दिया जाए। ऐसी एडवाइस आईटा भी दे चुका है और WHO भी इस तरह की सलाह दे चुका है। बहरहाल दोस्तों, आगे कोई अपडेट होगी इस पर या इसके अलावा फ्लाइट और ट्रेवल्स को लेकर कोई अपडेट होगी तो वो आप तक पहुंचाई जाएगी। इसके लिए आप परदेसी फ्लाइट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हाँ, हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को प्लीज लाइक जरूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, गुड बाय।